चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है और आज उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये रमरेखा घाट है और रमरेखा घाट पे सारे लोग भास्कर की भगवान सूर्य का इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान सूर्य बाहर निकलेंगे। भगवान भास्कर को देखने के बाद ये तमाम छठ व्रती अर्घ देंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से रमरेखा घाट पे एक चलन है कि रमरेखा घाट पे सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए होती है कि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम कभी यहाँ पे आए थे, भगवान राम त्रेता युग में यहाँ पे आए थे और उसकी वजह से इसका एक महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए ज़्यादातर छठ व्रती ये कोशिश करते हैं कि रमरेखा घाट पर आके छठ करें। हालांकि बक्सर नगर परिषद के द्वारा 32 घाटों पर छठ पूजा की व्यवस्था की गई है, बंदोबस्त की गई है और आपको बता सकते हैं कि जिस तरह से आप देखिए यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से इस बार डेकोरेशन की व्यवस्था की गई है, लोगों का कहना है कि हर साल के तुलना में इस साल काफ़ी खूबसूरत घाटों को सजाया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि LED लगा हुआ है जहाँ से कवरेज आपको पूरा घाटों का कवरेज दिख सकता है। साफ सफाई की ठीक ठाक व्यवस्था की गई है और आपको बता दें कि इसके अलावा कई आकर्षक खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई है, स्वच्छता को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के वॉल पेंटिंग कराए गए हैं। ये सब कुछ पहली बार हुआ। लोगों का कहना है कि इस तरीके से जो प्रशासन ने तैयारी करी है इसको लेकर के लोग प्रशासन का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि छठ पूजा में जिस तरीके से तैयारी हुई है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को धन्यवाद भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि छठ पर्व में जिस तरीके से हम लोग यह देखते हैं कि लोग मिलजुल करके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, इसमें न केवल एक धर्म बल्कि कई धर्म के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान अलग अलग रिलीजन के लोग भी बनाते हैं, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह धर्म से ज़्यादा प्रकृति की पूजा है क्योंकि इसमें भगवान भास्कर की पूजा होती है, माँ गंगा की पूजा होती है, फल फूल का इस्तेमाल होता है और एक तरह से यह कहीं ना कहीं एकता का संदेश भी देने वाला छठ है। क्योंकि छठ पर्व में हम लोग देखते हैं कि जब लोग घाट पर जाते हैं तो बड़े ही उत्साह के साथ जाते हैं, माताएं बहनें छठ माँ की गीत गाती है तो पूरा का पूरा मनोरम दृश्य है छठ घाट के किनारे। हम ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरा 32 जो घाट है सभी घाटों का तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि देख सकते हैं किस तरीके से पुलिया घाट से लेकर के नाथ घाट के बीच जो घाट है, रमरेखा घाट है, सती घाट है, गोला घाट है, इसके अलावा दर्जनों घाट है जिसको सजा धजा करके तैयार किया गया था छठ के लिए। हालांकि जिस उद्देश्य से तैयार किया गया था वो उद्देश्य पूरा हो चुका है क्योंकि छठ अपने आखिरी समापन पे है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माताएं बहनें महिलाएं तमाम लोग जो है इंतजार कर रही है कि भगवान भास्कर यहाँ पे है और जैसे ही भगवान भास्कर दिखाई देंगे अर्घ दे करके छठ का समापन किया जाएगा। मैं बक्सर से विमल कुमार।